सुभान अल्लाह, ये आगे zigzag, ये बिलाल है, इसने गलती की है। बिलाल की टेंशन हो रही है, बिलाल गया कहाँ पे? पीछे से आया, ये सीधा ऊपर चढ़ा है। थोड़ा सा रास्ता समझ नहीं आ रहा, सबसे पीक है ये जो। बस सेफ्टी लेके आए, आपका शुक्रिया। हमने 7 बजे उठना था लेकिन 8 बज गए, लेट हो गई है। लेट क्यों है आप भाई? आप लोग ठहरा दे रहे जो मैं लेटा था बाहर, कभी भी बड़ा जबरदस्त है जी। काशिप भाई हैं इस टीम के, जो कहते हैं ना ट्रेनर हैं, लेकिन ये खुद इनकी ट्रेनिंग हो गई है आज। बालकोनी हमारे जी होटल की, और ये व्यू देखे बड़ा जबरदस्त। लोकेशन पे होटल है, ऊपर घर बने हुए लोगों के ना, बच्चे बैठे हुए। कागान वैली है ये, कागान। ये बालकोनी के बैक साइड पे मेरे जो दरख्त लगा हुआ था उसमें लगे हुए अखरोट लगे हुए। किस किस्म का होता है अखरोट? पहले नाश्ते के लिए होटल में ये होटल है, इसमें सब नाश्ता करेंगे। अब ये हमने जीप ली एक वाई से और आगे जा रहे हैं शोग्रान सिरी पाए, उसके बाद मकड़ा की हाइकिंग करेंगे। बहुत जबरदस्त एडवेंचर है, आपसे शेयर करेंगे। क्या नाम आपका? असलान। रास्ता जी हमारा पीछे से है। ये सीढ़ी है, सीढ़ी से ऊपर हमने वो पाइप पे जाना है। ये जीप आ गए हम पिलाकर ऊपर पाइप पे आ गए हैं। ये पाइप पे पहुंचे हम, अभी सिर्फ 5 मिनट के लिए यहाँ पे स्टे करेंगे, पानी शानी पियेंगे और अपनी अपनी एक्सेसरीज पकड़ेंगे। शोकरान उससे नीचे फिर कि भाई जहाँ से हमने जीप करवाई थी। हमारा स्टार्ट हो गया, ये हम पाए पे हैं। पाए से जी जी सर जा रहे हैं। यहाँ पे घोड़े भी हैं जो मकड़ा की बेस तक लेके जाते हैं, लेकिन हम आगे हाइकिंग करके जाएंगे। दोस्त आगे चले गए। कितने पैसे लोगे मकड़े पे? चले इस बाहर घोड़े पे बैठ गए। मकड़ा पीक है, ये सारे रास्ते से इसको हाई करके जाएंगे। तकरीबन 4 से 5 घंटे का एक साइड का रास्ता है। इस एरिया की सबसे ऊंची चोटी है ये। कैंपिंग की है लोगों ने, यहाँ पे कैंप्स लगे हुए। और ये देखें, ये पाए आ गए जी। पाए मेडोज हैं, देखें यहाँ की खूबसूरती देखें, माशाल्लाह जबरदस्त। ऐसे ज़िगज़ैग होते हुए ऊपर पहाड़ों से, वो बर्फ की चोटी है, वो मकड़ा पीक है, वहाँ तक इंशाल्लाह जाएंगे। 28 या 29 जून है। 6 हाइकिंग कर रहे हैं, 7वां ये ज़ुबैर है, वो थोड़ा वजन ज्यादा होने की वजह से घोड़े पे आ रहा है। पीक है ये जो, ये इस नरान कगान एरिया और केपीके की लास्ट पीक है। इसके फौरन बाद कश्मीर का बॉर्डर शुरू हो जाता है, इसके ऊपर ही कश्मीर का बॉर्डर शुरू हो जाता है। आधी ये केपीके में है, आधी कश्मीर में है। बस 4 घंटे की हमारी हाइकिंग रह गई है मकड़ा पीक, इंशाल्लाह वहां जाके हम आपको सराउंडिंग व्यूज काफी आगे तक आ गए। ये पीछे के व्यूज हैं और सांस काफी चढ़ गए, नीचे खाई बड़ी गहरी है।
थोड़ा सा रास्ता हम गलत आ गए हैं, हमने ऊपर से जाना था। अब यहाँ से हमें ऊपर जाना पड़ेगा, बड़ा स्लिपरी रास्ता ये। ये एक दोस्त को यहाँ तक घोड़ा छोड़ गया, इससे आगे घोड़ा नहीं जा सकता, कैपेसिटी नहीं है उसकी। रास्ता कुछ इस किस्म के, टोटल 7 बंदे हैं हम। हमें दोस्त थोड़ा सा स्टे कर रहे हैं, पानी शानी पी रहे हैं और एनर्जी बहाल कर रहे हैं। आप घोड़े पे हैं यहाँ पे? जी सर, घोड़े पे हैं। आगे चलना, आपको हाइकिंग करनी पड़ेगी। ये बहुत बड़ा दरख्त टूट के गिरा हुआ है यहाँ पे ट्रैक के ऊपर। मंजिले लंबी है तो रास्ते नहीं देखते। गुड, सही कहा है। बहुत बड़ा दरख्त है, रास्ते में गिरा हुआ है। ये पाए 4 है, फिर आगे मकड़ा है। मौका मिले तो ये ट्रैक जरूर करें, जबरदस्त है, जमीन पे एक जन्नत कह लें इसी इलाके। पाए 1, पीछे छोड़ के आए हम, सारा रास्ता ट्रैक करके आए। ये दुनिया से बड़ी दूर यहाँ पे 2 से 3 हट बने हुए हैं, यहाँ पे रह रहे हैं और आसपास सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ है। अच्छा, ये मकामी भाई हैं, इन्होंने हमें कुछ प्याज दी है, क्योंकि हाइकिंग पे हो या बुलंदी पे हो और ऑक्सीजन की कमी नहीं होती, प्याज इस्तेमाल करना चाहिए। इन्होंने हमें प्याज गिफ्ट की है, ये मकामी यहाँ पे रहते हैं। क्या नाम है आपका? अजीजुर रहमान। थैंक यू। अच्छा, थोड़ा सा गाइड करें रास्ता। सीधा जा रहा है, ठीक है, टाइम बचाए भाई, टाइम शॉर्ट है हमारे पास। ये तो कुछ स्ट्रेट था, आगे वो सारी चढ़ाई है ऊपर। ऊपर चलेगा तो नेक्स्ट मान मेरे साथ आएगा, ये याद है। आके थोड़ा सा रास्ता समझ नहीं आ रहा, ऊपर पीक तक कहाँ से जाना है, लेफ्ट से जाना है राइट से जाना है। राज भाई यार, पानी बचा के रखना, आगे पानी नहीं मिलना, पानी कोई ज्यादा ना पीवे, सिर्फ एक ही घूटे पियो बस। रास्ता बना आता ना रस्से में, वो सबसे इजी रास्ता। ये आप डिसाइड किया, ये जो पानी वाला पानी का रास्ता बना हुआ है, को पानी सबसे इजी रास्ता जहाँ से होता वहाँ से गुजरता है, इसी रास्ते के थ्रू जाएंगे ऊपर। यहाँ से हमें रास्ता समझ नहीं आ रहा था, 3 दोस्त 4 दोस्त बल्कि वो नीचे से पानी की सेर से जा रहे हैं आगे। हमने डिसाइड किया ऊपर ही पहाड़ी चढ़ के चोटी पे जाके अकेला रास्ता देखेंगे कि रास्ता कौन सा सीधा है। काशिफ भाई इधर से आ जाए आप भी। ये ऊपर जो ट्रैक जाने मेरे ख्याल में वही ठीक था, और दूसरे दोस्त भी पहला ट्रैक छोड़ के हमारे हमें फॉलो करने लग पड़े हैं। मेरे ख्याल में ये ऊपर जो चढ़ाई वाला है यही ट्रैक ठीक है। एक दोस्त आगे चला गया, वो छोटी सी झील बनी है ऊपर, वो देखा आपने? पानी है, प्याज है, पहाड़ चढ़े तो प्याज थोड़ा थोड़ा खाते जाए, ऑक्सीजन की कमी महसूस नहीं होने देता, ये यहाँ के लोग कहते हैं। मैं ऊपर आ गया हूँ यहाँ पे। हाँ जी है रास्ता, आए ऊपर आए, ये सीधा ऊपर चढ़ा है। वो पीछे से आए, काफी लंबा ट्रैक हो गया। ये पहाड़ी के पीछे वो जो बर्फ दिखाई दे रही है वो दूसरी पहाड़ी है मकड़ा पीक की, उसके पीक पे जाना हमने। अब यहाँ ये पहाड़ी क्रॉस करके समझ नहीं आ रहा हमने कैसे जाना है। सुभान अल्लाह, ये नारान कगान एरिया के पहाड़ ही हैं, इसके पीछे बाबूसर है और ये कश्मीर के पहाड़ हैं, इनके पीछे कश्मीर है सारा, ये पिछली साइड सारी कश्मीर है। आजा आजा, हमने समझा था ये शायद आखिरी बुलंद चोटी है, लेकिन इसके पीछे और भी बहुत सी बुलंद चोटियाँ। बिलाल आगे चला गया है, उसका कोई अता पता नहीं है, बहुत सी आवाज़ें नहीं है लेकिन कोई रबता नहीं हो सका। ये यहाँ पे एक छोटी सी चारदीवारी हुई है पत्थरों से, पता नहीं है किसी ने मस्जिद बनाई है, ये क्या निशानी लगाई हुई है। बिलाल की टेंशन हो रही है, बिलाल गया कहाँ पे, उसकी कोई आवाज़ नहीं आ रही, ना कोई रिप्लाई कर रहा है, स्लिप हो रहा, पाँव साइड से जाना पड़ेगा।
आगे रास्ता जा रहा है मकड़ा को, ये चट्टानों वाला रास्ता है, बड़ा सख्त रास्ता है। और वो बिलाल पहुंच चुका आगे, किसी को बताए बिना ये बिलाल है। इसने गलती की, ये सबको साथ लेके जाना चाहिए था। हम इसको इसे ढूंढ रहे थे और परेशान हो रहे थे, काफी टायर्ड हो गए, थक गए, पसीने से कैब भर गई इनकी, ऑक्सीजन की भी कमी हो गई है यहाँ पे। अचीव किया मकड़ा पीक, ये मकड़ा पीक मिलाकर हमने अचीव कर लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जबरदस्त मजा आ रहा है और प्राउड फील हो रहा है। मकड़ा पीक पीक से हम आपको दिखा रहे हैं नीचे के व्यूज, पाए मैडोस। अब वापसी आ रहे हैं, मकड़ा से वापसी आ रहे हैं। वापसी पे टाइम कम लगता है, स्पीड से आप आते जाते हैं, एनर्जी भी कम वेस्ट होती है, लेकिन जो रोड रास्ता है यहाँ से ब्रेक नहीं लगती आपकी। ये इस चोटी से आए मकड़ा पीक से, बहुत खूबसूरत जगह है। वापसी शाम के 7:30 हो गए हैं, आखिर हम पहुंच गए अपनी जीप के पास वापसी। 7:45 के करीब टाइम हो गया, 7:45, और हमारी गाड़ी है या एक और गाड़ी रह गई है। जे वापस आ गए नीचे के वाई पे, कि भाई मैं आ गया। रात 9 बज गए, 9 बज गए। हमारी हाइकिंग रही है 9 घंटे की, 4 घंटे जाने में और 2 घंटे तो हमारा दोस्त ही गुम हो गया था वहाँ पे। शुक्र है अल्लाह का मिल गया। एक भाई की तबीयत खराब हो गई, हालांकि ये घोड़े पे भी गए, इनके पाँव में चोट लगी है। ये मिल गए हैं बिलाखिर, जिनका हमने आपको ऐलान किया था, आपको दिखाता हूँ। ये हमारे ड्राइवर भाई हैं, इन्होंने हमें ऊपर से सेफ्टी लेके आए, आपका शुक्रिया। ये एंड पे जी हमने थक के जो पाए हैं मकड़ा पीक से, वो जो हीरो ऑफ दी मूवी, उसके बाद बिरयानी लिए यहाँ पे आके। कोट मेन रोड पे हम एक होटल देखा है, पाइन ट्रैक, वहाँ पे रूम लेंगे। ये पाइन ट्रैक होटल है, फ्रंट पे इसके सारे रूम्स ही फ्रंट पे। काशिफ भाई रूम बुक करवा रहे हैं, कुली नंबर 500 हमारा रूम एंड पे। ये इसकी बाल, ये नीचे वाली, ये सामने व्यू देखें जरा, पहाड़ों के पीछे चांद निकला हुआ है।